हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्स 3 सफल सेल्स एंड मार्केटिंग। और यहाँ पर हम देखेंगे हाउ टू जनरेट लीड्स एंड क्लोज लीड्स। तो उस लीड्स को कैसे जनरेट करना है और कैसे क्लोज करना है, इसमें सबसे पहला पार्ट जो हम लोग देखेंगे सेल्स पे फोकस करेंगे। और सेल्स में मैं आपके सामने जो पॉइंट्स लेकर आ रहा हूँ, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी। अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है अपनी सेल्स की, तो हमें देखना है जो रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हमें कम से कम टाइम लगना चाहिए और कम से कम एफर्ट लगना चाहिए। तो मैक्सिमम रिजल्ट हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं सेल्स में, और वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने में हमें टाइम भी कम लगे और मेहनत भी कम लगे उसमें। क्लियर? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कस्टमर बाइंग पैटर्न। कस्टमर पहले क्या खरीदता है, किसको खरीदता है? तो कस्टमर सबसे पहले जो खरीदता है वो बाई करता है सेल्समैन को। आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी होने दो, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा होने दो, अगर आप में दम नहीं है तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, क्योंकि सेल्समैन कस्टमर जो है वो सेल्समैन को पहले ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है, राइट? उसके बाद आपकी कंपनी आती है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट आता है। यही वजह है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ थीं और वो मार्केट से आउट हो गई, धराशायी हो गई, और छोटे छोटे प्लेयर आज मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। हर वो कंपनी जहाँ पर सेल्स फोर्स बहुत स्ट्रांग होगी, जो सेल्समैन बहुत स्ट्रांग होंगे, तगड़े सेल्समैन होंगे, वो कंपनी आगे जाएगी, और जहाँ पर सेल्समैन वीक रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, वो कंपनी आगे नहीं जाएगी। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, राइट? क्योंकि सबसे पहले कस्टमर आपको खरीदता है, उसके बाद आपकी कंपनी आती है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट आता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद जो चीज़ आती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्स। अब सेल्स को हम ये कहते हैं, सेल्स आर्ट भी है, साइंस भी है। अगर ये सेल्स आर्ट है, कला है, तो हर कला के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगता है। मतलब अगर चित्रकारी एक कला है, तो चित्रकारी के लिए ब्रश एक इंस्ट्रूमेंट होगा। तबला बजाना एक कला है, तो तबला एक इंस्ट्रूमेंट है। फास्ट बॉलिंग कला है, तो फास्ट बॉलिंग इंस्ट्रूमेंट है। गिटार बजाना कला है, तो गिटार इंस्ट्रूमेंट है उस कलाकार का। और सेल्स अगर आर्ट है, सेल्स एक कला है, तो सेल्स का इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो सेल्स का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है माइंड, बॉडी और वॉइस। कलाकार अपने इंस्ट्रूमेंट पे काम करता है। एक फास्ट बॉलर बॉल को घिसता है ताकि उसकी शाइनिंग जाए और बॉल स्विंग हो, इन स्विंग आउट स्विंग हो। गिटार बजाने वाला उन तारों पे काम करता है, राइट? तो हर इंस्ट्रूमेंट, हर कलाकार अपने इंस्ट्रूमेंट पे काम करता है, और जितना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट पे काम करेगा उतना अच्छा उसको रिजल्ट मिलता है। तो सेल्समैन का इंस्ट्रूमेंट जो है वो माइंड, बॉडी और वॉइस है। तो हमारा पॉजिटिव मेंटल स्टेट में रहना पड़ेगा हमें, अगर हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। एक फॉर्मूला है, E प्लस आर इक्वल टू ओ। ई का मतलब होता है इवेंट, R का मतलब होता है रिस्पॉन्ड, और O का मतलब होता है आउटकम। इवेंट घटना क्या घट रही है, उस पे R रिस्पॉन्ड में क्या कर रहा हूँ। तो E प्लस आर इक्वल टू मेरा बनेगा आउटकम, राइट? अब घटना घट रही है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रिसेशन दिखाई दे रहा है, लॉकडाउन की खबरें फिर से चल रही हैं, या कुछ और क्राइसिस आ गए, तो उस पर हम रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं। मार्केट टाइट है, धंधा नहीं है, पैसे लोग रुका के रख रहे हैं, और हमारा ये रिस्पॉन्ड रहेगा तो हमें रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, राइट? लेकिन हम बोल रहे हैं अगर मार्केट में मंदी आ गई जैसा लग रहा है, रिसेशन है, और हमें इस मंदी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, और इस चक्कर में 50% जो लोग रहेंगे मार्केट ऑटोमेटिक छोड़ के भाग जाएंगे मंदी बोल के, सारे लोग यही बोल रहे होंगे, राइट? और जो 50 बचे हैं उस 50 में 25% लोग ये बोल रहे होंगे कि रिजल्ट तो आने वाला नहीं, ये बोल के निकलेंगे तो वो भी खाली हाथ जाने वाले हैं। तो मार्केट से बहुत सारे प्लेयर निकलने वाले हैं, लेकिन मार्केट में पैसा तो है, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दिस इज द राइट टाइम, पैसे बनाने का बहुत बढ़िया टाइम है, धंधा करने का बहुत बढ़िया टाइम है, राइट? तो हम जो रिस्पॉन्ड करेंगे वो हमारा आउटकम बनेगा। तो आपके इनर डायलॉग में आप डायलॉग क्या चला रहे हो बहुत मैटर करता है। तो उसके लिए आपको अपने माइंड पे काम करना है, पॉजिटिव बुक्स पढ़ना है, प्रोग्राम्स अटेंड करना है। इस तरह के जो प्रोग्राम लिया है मैं, उसके लिए आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि आप अपने माइंड पे काम कर रहे हो। दूसरी चीज़ होती है बॉडी लैंग्वेज हमारी। हम 24/7 हमारी बॉडी कुछ ना कुछ इमेज क्रिएट करती है, और पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। आप जिस पोस्चर में बैठ रहे हो कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा है, और सामने वाला से कुछ मीनिंग निकाल रहा है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका वॉइस टोनैलिटी। आपको वॉइस में मॉड्यूलेशन आना चाहिए, उतार चढ़ाव किस तरह से कनेक्ट करना है, तो उसको आपको रेपो मैच करना पड़ेगा। सामने वाला जिस फिजियोलॉजी में है तो फिजियोलॉजी मैच होना चाहिए, वॉइस की टोनैलिटी मैच होना चाहिए, तो साइकोलॉजिकली आदमी बंद जाता है। क्योंकि हमें अपने ऊपर काम करना है चीज़ों पे। क्यों करना है? क्योंकि सेल्समैन को पहले कस्टमर खरीदता है, राइट? दो तरह की पर्सनैलिटी मिलेंगी आपको, एक होती है इंट्रोवर्ट और एक होती है एक्स्ट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग हैं
जो बहुत कम बात करते हैं, और एक्सट्रोवर्ट वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा बात करते हैं। अब हम जो क्लाइंट से मिलेंगे वो हमें इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट मिलेंगे। अब हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि हम किन किन लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। तो हम उन लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह हैं, जो बिल्कुल हमारी तरह हैं, राइट। और मैं जिस कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने जा रहा हूं, अगर उसको मेरा, उसको मेरे अंदर अपना उसका खुद का मिरर रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा तो वो मुझसे कनेक्ट नहीं होगा। तो हमें हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करना आना चाहिए। जैसे एक एक्टर, एक कलाकार अलग अलग रोल प्ले करता है, अलग अलग मूवी में अलग अलग कैरेक्टर परफॉर्म करता है। कहीं पे वो फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे बन जाता है, कहीं पे वो लगान का गांव का देहाती बन जाता है, कहीं पे एक रिच टाइकून बन जाता है गजनी मूवी में, और कहीं पे थ्री इडियट में कॉलेज स्टूडेंट बन जाता है। उसी तरह से आपको अपने रोल बदलना आना चाहिए। कस्टमर जिस तरह का है आपको अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह से मोल्ड करना है। मतलब मैं जिस बंदे से मिलने गया और वो कम बात कर रहा है तो मैं समझ जाऊँ ये इंट्रोवर्ट है, यहाँ पर फालतू पचर पचर चलने वाली नहीं है, तो मुझे यहाँ पर कट टू कट और पॉइंट पे बात करनी है। और ज़्यादा बात करने वाला आदमी है तो मुझे टॉकेटिव करेक्टर में आना पड़ेगा, और उसके साथ कनेक्ट होने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है ताकि उसको अपना मिरर रिफ्लेक्शन दिखाई दे मेरे अंदर, और वो दिखेगा तो वो मुझसे कनेक्ट होगा। तो पहला पार्ट हमको इन चीज़ों पर काम करना है। सेकेंड जो चीज़ आती है, जिन लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, हमारे को तीन तरह की लीड, तीन तरह के कॉल होते हैं हमारे पास। एक होता है कोल्ड कॉल, एक होता है वार्म कॉल, और एक होता है हॉट कॉल। कोल्ड कॉल वो है जो अननोन, अनजान टेरिटरी है, जिसको मेरे बारे में नहीं पता है, जो मुझे नहीं जानता है, और स्ट्रेंजर अजनबियों को मैं कॉन्टेक्ट करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, ये वो लीड हो गई कोल्ड कॉल, राइट। सेकेंड हो गई वार्म कॉल, ये मेरे को कहीं मिल चुका है या कहीं इसने बारे मेरे बारे में सुना है, तो ये पुराना है जो फॉलोअप चल रहा है, तो ये थोड़ा गर्म क्लाइंट है, वार्म क्लाइंट है, ये सेकेंड हो गया मेरा कैटेगरी हो गया। और ऐसे क्लाइंट कितने हैं, बहुत कम है। और थर्ड कैटेगरी क्लाइंट हॉट लीड है, जो इंटरेस्टेड है, गर्म तवे पर बैठा है, बोलता है नहीं नहीं मेरे को चाहिए, अभी के अभी करना है, अभी के अभी आपका प्रोग्राम करना है, राइट। ये हॉट लीड है, और इस तरह की लीड्स बहुत कम होती है। किसी ने इससे बात किया, रिकमेंड कर दिया, मतलब कोई पहले अटेंड कर चुका, आप डिसाइड किया मेरे को आपका प्रोग्राम ज्वाइन करना है या मुझे आपसे प्रोडक्ट और सर्विस लेना है, तो हॉट कॉल बहुत कम होते हैं। और हमें किन चीज़ पे काम करना है, हमारा मैक्सिमम फोकस जो होना चाहिए वो कोल्ड कॉलिंग पे होना चाहिए, कोल्ड लीड पे होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, आप ज़्यादा लोगों तक आपका मैसेज जाएगा, ज़्यादा लोगों आपके बारे में जानेंगे, और कोल्ड से ही वार्म बनेगा और वार्म से ही हॉट बनेगा। तो आपको कोल्ड डेटा पे काम करना पड़ेगा, जिस बहुत सारे लोगों ने इस पे बंद किया हुआ है, राइट। अब हमारे पास सबसे अच्छा अप्रोच क्या है लोगों को अप्रोच करने के लिए, सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या है, टेलीफोन। जिस टेलीफोन से मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ये मोबाइल से बना रहा हूँ, तो ये मोबाइल बहुत ऐसी चीज़ है जो आपके सारे सपने पूरे करेगा, आपका ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, धन दौलत सब कुछ आपको देगा, अगर आप इसको सही तरह से यूज़ करना सीख जाओगे। टेलीफोन उठा के हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं या कॉल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। टेलीफोन के एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ये है कि हम एक जगह बैठ के पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड, कहीं भी किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है इसके कि हम आदमी को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम टेलीफोन पर धंधा कर सकते हैं। हमें समझना है जब हम कॉल करते हैं तो दो तरह के कॉल होते हैं, एक तो हमारा रॉन्ग कॉल होता है, एक राइट कॉल होता है। तो टेलीकॉलिंग के लिए आपको क्या समझना है, आपको कॉल कैसे करना है, जब आप कॉल करते हो तो आपकी कॉलिंग पिच पे आपको काम करना है। आपने अक्सर जब भी आप गाड़ी चलाते होगे तो आपने देखा होगा, मैं अक्सर नोट करता हूँ, और रफ़ी के गाने या किशोरदा के गाने एफएम पे बजते हैं, और उन गानों में हम कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत एनर्जी के साथ परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने गाए गाने और आज तक हमको ट्रिगर करते हैं। आप अगर जाके यूट्यूब में चेक करोगे तो वो खड़े होकर स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड कर रहे थे, मतलब हाई एनर्जी के साथ काम कर रहे थे, राइट। और हमारी टीम जो कॉल करती है बैठ के बहुत कंफर्ट जोन में कॉल करती है, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कॉल खड़े होकर करो, क्योंकि जब भी तुम्हारे पर्सनल कॉल आते हैं, तुम्हारी वाइफ का, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, तुम फट से खड़े हो जाते हो, तुम्हारा चलना मूवमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि तुमको उसको इनरोल करना होता है, कन्विंस करना होता है अपनी बात के लिए। लेकिन जब तुम धंधे के लिए कॉल करते हो तो बैठ के कॉल क्यों करते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कॉल करते हो तो कॉल पे आपको पूरा नाम बोलते हो, सलमान खान, हेलो आई एम सलमान खान फ्रॉम सफल ट्रांसफॉर्मेशन, या तो मिस्टर खान बोलो या फिर सलमान बोलो, फर्स्ट या लास्ट नेम बोलना है। और नाम अगर डिफिकल्ट है तो नाम को चेंज कर लो,
मेरी टीम कॉल कर देती और बोलते थे वो लोग कि हम ये कंपनी से बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, उसको उससे मतलब नहीं है, उसको क्या मिल रहा है आपको वो इंपॉर्टेंट है। तो कॉलिंग पे आपको फोकस करना है, फर्स्ट 20 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 सेकंड में आदमी कन्विंस होगा या तो नहीं कन्विंस होगा, 20 सेकंड में ऐसा कुछ बोलो, मैजिकल वर्ड बोलो जहां पर आदमी तुमको अपॉइंटमेंट दे दे। तो कॉलिंग करना है हमारे को, बिजनेस किसको मिलेगा, फर्स्ट 50% जो फर्स्ट कॉल रहेगा उसको मिलेगा या लास्ट कॉल को मिलेगा। तो कॉल करना है, धंधा मिले नहीं मिले कॉलिंग छोड़ो, जब तक उसके नंबर तुम्हारे पास है और वो नंबर एक्टिव है उसके फ़ोन में तुम्हारी घंटी बजती रहना चाहिए या व्हाट्सएप मैसेज जाते रहना चाहिए, फॉलोअप नहीं छोड़ना है हमारे को, राइट। मैंने अभी बात की थी आपसे पिच के बारे में, फर्स्ट 20 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट 20 सेकंड में दिखा दो आप उसको इस प्रोडक्ट में इसमें क्या मिल रहा है, जो आप अपॉइंटमेंट मांग रहे हो उसको क्या मिलेगा। मेरी टीम कॉल करके बोलती थी कि हेलो मैं दीपक पांडे बोल रही हूँ सफल ट्रांसफॉर्मेशन से, हमारी कंपनी के जो फाउंडर मेंबर है वो सलमान खान है जो मुंबई यूनिवर्सिटी के HOD रह चुके हैं और उन्होंने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स सब बताए। तो बोलता भाई मेरे को क्या करना है, जरा HOD रह चुके हैं या प्रोफेसर रह चुके हैं या कोर्स कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, मेरे को कॉल क्यों किया है। क्योंकि उसको बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, उसको वोडाफोन वाला कॉल कर रहा है, उसको एयरटेल वाला कॉल कर रहा है, क्रेडिट कार्ड वाला कॉल कर रहा है, उसको महिंद्रा हॉलीडे वाला कॉल कर रहा है, लोन वाले कॉल कर रहे हैं, और वो पक चुका है, बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसी बीच में तुम्हारा कॉल पहुंचता है वो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो 20 सेकंड में से दिखाओ उसको क्या मिल रहा है, WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी, उसको दिखाओ। तो आपको 20 सेकंड का पिच बनाना है, जैसे मेरी टीम अब बोलती है हम जब कॉलिंग पिच बनाइए, हेलो मैं दीपाली बोल रही हूँ सफल ट्रांसफॉर्मेशन से, हमारी कंपनी ने एक टूल बनाया जिससे आपकी सेल्स जो है 20 से 40% बढ़ जाएगी, हमने एक सिस्टम बनाया जिससे आपकी सेल्स 20 से 200% बढ़ जाएगी, और वही दिखाने के लिए मुझे आपको कल मिलना है। तो हम कल सुबह 10 बजे मिल सकते हैं, 11 बजे शाम में 4 बजे मिल सकते हैं, राइट। तो आपने क्या किया, 20 सेकंड में कार्यक्रम को ख़त्म कर दिया, उसको क्या मिल रहा है वो दिखा दिया। मैं दीपाली बोल रही हूँ सफल ट्रांसफॉर्मेशन से, ख़त्म, हमारी कंपनी ने एक टूल बनाया है जो आपके जैसे बिजनेस के साथ काम करता है और उनके बिजनेस में 20 से 200% ग्रोथ लेकर आते हैं, वही सिस्टम दिखाने के लिए मुझे कल आपसे मिलना है। तो कल हम सुबह 10 बजे मिल सकते हैं या 4 बजे मिल सकते हैं, 2 स्पेसिफिक टाइम दे दिए हमने। यहाँ पर ओपन क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है, ऑप्शन देना है, राइट, सुबह या शाम, ताकि वो निकल नहीं सके। तो आपने 20 सेकंड में कार्यक्रम कर दिया, और 20 सेकंड से कम का पिच चाहिए, एलिवेटर पिच बनाना, एलिवेटर पिच मतलब 30 सेकंड में अपने आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, 12 वर्ड में अपने आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो ये पिच पे आपको काम करना है, और जितना पावरफुल पिच रहेगा उतना जल्दी आपका बंदा क्लोजिंग की तरफ बढ़ेगा। तो आपको इन चीज़ों पे काम करना है, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग और सेल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे।